नेशन पर, लॉ एडमिशन पर, एसएसपी पर, बॉस हो रहा है यहाँ की पुलिस पर। मैं बार बार पुलिस से कह रहा हूँ, मैं बार बार ऑफिसरों से कह रहा हूँ कि आपके माहौल को खराब मत होने दो। हमारी बातों को नहीं सुना गया। हमने कहा शालामार से लेकर माली पेट तक जबरदस्ती यात्रियों को गाड़ियां खोली जा रही हैं और एक एक यात्रु को चेक किया जा रहा। तुम आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ और आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तुम कहां से आए हो। क्या आपने सारी हुकुमरानी उन चंद गुंडों को दी हुई है? कुछ गुंडे बाजार में निकलते हैं, एक आम आदमी को तंग करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, यह हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, यह मसला है गुंडों का। कुछ गुंडे निकलते हैं और जबरदस्ती दुकानें बंद कराते हैं। क्यों? क्या आपने सरेंडर किया? यहाँ पर मरे नहीं है, अभी भी शिवाजी मराठा और महाराणा प्रताप जिंदा है, अभी भी राम और कृष्ण की औलादे यहाँ पर जिंदा है। कोई हमारे ऊपर डोजर नहीं फैल सकता है, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हम आपको बार बार आगाह करते हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार आगाह करते हैं कि आपके ये जो मलाई और मक्खन जो आप परोसते हैं कुछ लोगों को, मलाई और मक्खन के साथ यहाँ का माहौल ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ की 90% जनता जो है वो अमन चाहती है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के अमन को खराब करना चाहते हैं। और अगर वो 10% लोग यहाँ के अमन को खराब करना चाहते हैं और आप उनके साथ शरीक होते हैं, इसका हमें अफसोस है। क्या बात है,